राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं था, ब्लॉग पड़े हुए हैं जब मेरी तबीयत खराब हुई तब के भी। और जब अपने कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों के कुछ हो जाए तो बिल्कुल भी, रात भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और अब टाइम हो रहा है शायद 3 के करीब हो रहे हैं, वीडियो पता नहीं कब जाएगा। और दिन है आज बुधवार, तो अभी कि अभी मैंने हिमांशी का थोड़ा सा क्लिप लिया है। और शनिवार को हुआ क्या था कि शनिवार को मेरी तबीयत मतलब अचानक से ना, वो मैं सफाई कर रही थी और अचानक से मुझे ऐसे दर्द हुआ पेट में और बैक कमर में बहुत बुरा। अचानक से मतलब जैसे मैं झुकी थी, कभी होता है ना ऐसा, नस पे नस चढ़ गई या क्या हुआ, बहुत बुरी तरह। मतलब घर पे ये भी नहीं थे और दिशु भी नहीं था, मैं और हिमांशी थी। तो हिमांशी ने सोचा कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हिमांशी ने सोचा कि मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ। मैं तो अंदर लेटी हुई थी कमरे में, बहुत ज़्यादा फेन था, और उसी वजह से फिर हिमांशी का पहले मैं बता नहीं रही थी। मैंने सोच रही थी ये ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, ऐसा नहीं था। लेकिन कभी भी बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हिमांशी से गलती हुई बताती हूँ। तो हुआ क्या, हिमांशी को है ना, हिमांशी ने सोचा मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ, शायद दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और इसलिए। तो हिमांशी ने ना चुपचाप चाय रख दी मेरे लिए, और चाय रखने के बाद भगोना जैसे ही गिरा उबलता हुआ, चाय बन गई थी ये डालने वाली थी, उबलता हुआ था। तो जैसे ही इसने भगोना पकड़ा हो गया, कैसे इसके हाथ से छुटा नहीं, वो भगोना उस पे से ही गिर गया, गैस पे से ही गिर गया। एकदम मैं भाग के ऐसे ही आवाज़ आई ना, मैं दर्द में भी भाग के आई और मैंने पूछा कि क्या हो गया। तो हिमांशी ने कहा कि मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ये चाय भी करेगी। मैंने कहा तुझे तो कुछ नहीं, मैंने कहा तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना। तो हिमांशी ने कहा नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने आते ही के साथ ही ये पूछा कि तुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा नहीं। फिर बाद में उसके पापा ने भी पूछा कि तेरी मम्मी ने डांटा तो नहीं था, कि नहीं मम्मी ने तो बड़े प्यार से पूछा था। इसने सोच ये कह रही थी कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मम्मी को पहले ही दर्द है तो ये तो ठीक हो जाएगा। इसने गलती क्या करी कि वो बर्फ लगा ली इसने ना, मैं तो अंदर जाके लेट गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा दर्द बहुत ज़्यादा था, तो मैंने तो अंदर जाके लेट गई। मैंने कहा तुझे नहीं हुआ तो रहने दे, कोई बात नहीं, ये मैं साफ़ कर दूँगी जैसे ही मुझे आराम होगा, अब तू आराम से जाके और बैठ जा। मैंने कहा चाय वाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद हिमांशी ने क्या किया कि हिमांशी अंदर जाके और बर्फ़ ले गई, कब में ले गई मुझे पता भी नहीं है, और अंदर जाके बर्फ़ लगाने लगी। दिशु आया, दिशु और दिशु पापा दिशु के स्कूल गए थे, कुछ काम था। तो दिशु ने आने के बाद पूछा कि मम्मी हिमांशी कहाँ है, मैंने कहा हिमांशी तो यही होगी। तो ये अंदर जाके बर्फ़ लगा रही थी, इसे बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए थी, मैं आप सबको बताती हूँ। कभी भी ऐसा हो जाए, मेरे पेट पे तो मतलब तेल खोलता हुआ तेल गिरा था, गलती से कई बार हो जाता है, किचन में हम औरतें काम कर रही होती हैं हो जाता है। तो फिर भी मैंने साथ के साथ नमक दबा लिया था तेल लगा के। तो कभी भी इस तरह का नहीं करना चाहिए, हमेशा सरसों का तेल लगाओ और उसके ऊपर नमक डाल लो, जो जैसे ही इसके फूल रहा है ना, ये नहीं फूलता, ये सब पानी निकल जाता है नमक से। कभी भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो सरसों का तेल लगाओ, सरसों का तेल भी नहीं रखा वो बाद में लगाया, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और वो फिर फूल गया। और फिर मैंने सोचा अब चलो अब भी ठीक हो जाएगा, वो लगाते रहे जो मैंने दवाई भी दिवा दी से, और डॉक्टर से नीचे से इसके पापा ट्यूब भी ले आए और फिर वो भी लगा दी। उसके बाद भी इसका मतलब कल तो मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, अब थोड़ा ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया मुझे ये कल से ठीक लग रहा है। कल तो ये ऐसा हो गया था, डॉक्टर ने भी, डॉक्टर को भी कुछ ऐसी संबंध आ रहा, डॉक्टर ने कहा ये तो जहरीला कीड़ा काट गया, तो फिर उसे बताना पड़ा कि नहीं नहीं ये तो ये जला है। तो दूसरा हाथ मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वो सो रही है, दूसरे हाथ में भी यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बस आप सबकी दुआ से वो तो ठीक हो जाएगा। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ रीज़न ये था, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक दीदी है लक्ष्मी जी, वो बता रही थी कि बर्फ़ में दबा देते, बर्फ़ में बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ में नहीं करना, सबसे उपड़ता है, उपड़ने का मतलब पकोले हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उसका हाथ किस तरह की कंडीशन है। और ये 5 दिन बाद है, शनिवार से आज बुधवार है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सरसों का तेल लगाने के बाद उस पर नमक डालना है, ठीक हो जाता है एकदम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कभी भी बच्चों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, कोई भी बात है हमेशा पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। और मेरे बच्चे मतलब और सब बात तो बता देंगे, लेकिन अपनी तकलीफ नहीं बताते, जैसे कि हर बात बताएंगे। वैसे तो बाथरूम भी जाएगा तो दिशु का तो ये नेचर है कि बाथरूम भी जाएगा तो ये कहेगा मम्मी मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैंने कहा बड़ा विदेश जा रहा है जा हुआ
तो लेकिन ऐसी बात नहीं बताते। दिशु का भी है ना उंगली में बहुत ज़्यादा, मतलब उंगली फूक गई थी आपस में खेलते हुए बच्चों के गांव में। दोनों भाई खेल रहे थे, वो उसे मार, वो उसके ऊपर फेंक रहा था कुछ, मतलब जो स्वापी होती है वो उसके ऊपर फेंक रहा था। आपस में दोनों के हाथ टकरा गए तो यहाँ पे लग गया। दीसु ने बताया नहीं किसी को, मम्मी को भी नहीं बताया पूरी रात, बस मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। और ये रात पूरी रात नहीं सोया, तो मम्मी ने भी सोचा कि हो सकता है कि इसका मन नहीं लग रहा हो। मम्मी ने कहा भी, तुझे मम्मी की याद आ रही है कि हाँ, ये सुबह के टाइम आ गया। आने के बाद भी मुझे नहीं बताया। और वो सूजा हो रखा था, सूज रखा था काफ़ी सूज रखा था और बहुत पेन था दर्द। फिर बाद में शाम को जब खाना इसने नहीं खाया, बस मैंने कहा खाना खा ले, फिर मेरे कान में आके बताया कि मम्मी मेरे ना हाथ में कल से बहुत दर्द है, हम आपस में खेल रहे थे और मेरे हाथ में लग गए। ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। अगर मम्मी को ही बता दी तो मम्मी को भी बहुत बुरा लगा। मम्मी रात में ही उसमें कुछ कोई ट्यूब वगैरह लगा देती, ठीक हो जाती। अगर डॉक्टर की दिक्कत थी तो डॉक्टर के दिखाती। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए सच में। और मैंने ऐसे भी देखा बच्चों को थोड़ी सी लगते ही दिखा देते। और हिमांशी का है, हिमांशी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हिमांशी ने कैसे बर्दाश्त किया? हिमांशी का बस यही था कि मम्मी आपको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने इसलिए नहीं बताया। तो मेरा तो चल जाता है, मैं उठते ही जैसे ही मुझे आवाज़ आई मैं सुनते ही दौड़ उठी। तो आप सभी को अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, ये सबके लेडीज़ों के साथ तो हमेशा ही किचन में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो तेल लगाने के बाद, ये बहुत अच्छी टिप्स है सभी के लिए और मैंने नोट की है, लेकिन बस गलती हो गई हिमांशी से। इतना तो हिमांशी भी कर सकती थी अगर मम्मी को देख सकते। पर कई बार है ना दिमाग जो हमारे होना होता है वो होता ही है। देखो आज छुट्टी कराई है, फिर कल चली गई थी, कल ज़्यादा हो गया, सोमवार को भी छुट्टी थी और संडे को तो छुट्टी थी। तो आप सबकी दुआ से ठीक हो जाएगी। बस आपकी वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आप कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सरसों का तेल लगाने के बाद सीधा नमक लगाना चाहिए। और देखिए आप हिमांशी का हाथ किस तरह से किस हाल में है। और ये वीडियो मतलब जो मैंने बनाया, हिमांशी बनवा नहीं रही थी, ये मैंने अभी सोती हुई का बनाया है। और दवा लेने के बाद मतलब सोई रही है, रात में भी सोई हुई थी और अभी भी सोई हुई है। तो मिलते हैं फिर आप सभी से। ये वीडियो मैंने आज ही बनाई है, जैसे ही सो रही थी हिमांशी सोती हुई की, तो दूसरा हाथ तो मैं नहीं ले सकी क्योंकि वो सो रही थी, जग जाती बच्ची है, वो वैसे मना कर रही थी। तो अगर ये तेल लग जाता, फिर बार बार मेरे दिमाग में यही आता है कि इतना नहीं होता बच्ची।